सरकारी तीन की एग्जाम में टोटल करीब 87,000 से ज्यादा वैकेंसी है और वो सभी वैकेंसी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको किया गया था। तदनुसार विभाग को कैटेगरी वार नंबर ऑफ वैकेंसी को कम्युनिकेट करना है, आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होके वैकेंसी प्राप्त होती है उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ होगा ना कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक हो जाएगा? विभाग से जैसे सूचना प्राप्त हुई है वहां पर जिलों से भी सभी सूचना इकट्ठी करके उसका रोस्टर बनाने का काम हो रहा है। अब कितना समय लगेगा वो मेरे लिए बताना ठीक नहीं है। लोग हमेशा कोशिश करता है कि एग्जाम के जितना जल्दी हो सके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इस वाले में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी एग्जाम का हम लोगों ने फाइनल आंसर की भी दे दिया है, तो अब आयोग के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होगा आप जो है रिजल्ट दे देंगे, कितने दिन के बाद देंगे मोटा मोटी? करीब 2 से 3 वीक लगता है प्रोसेस पूरा करने में, क्योंकि 87,000 वैकेंसी है और दूसरा कि नंबर ऑफ कैटेगरी में वैकेंसी पॉलिसी के हिसाब से आगे पीछे हुई है, तो हर कैटेगरी में भी हमको रिजल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और हर एक एग्जाम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर से शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 में है तो उसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम संबंधित विभाग करे, वही करेगा। नहीं देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो तभी आती है जब कंप्लेन प्राप्त होती है, उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। अगर उसको आयोग के स्तर पर करना है तो आयोग वो सभी डॉक्यूमेंट का निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से वेरिफिकेशन कराएगा। मतलब इस बार आप श्योर हैं कोई गड़बड़ी नहीं होगी ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं होगी, आयोग पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। अगर जांचोपरांत कुछ गलती पाई जाती है तो हम उसके ध्यान में लाएंगे और उनके कैंडिडेट पर आगे विचार करेंगे। या शिक्षा विभाग को फिर से फिल्टर करने की जरूरत है ऐसा लग रहा है? आगे की एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग फिल्टर करके भेज सकता है, बट जो TRE 3 के लिए लोग दे दिए हैं उनके लिए अभी उनके लिए करना